आमना सामना, एक खास मुलाकात एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया हो। मिलेंगे एक ऐसे शख्सियत से, जानेंगे उनके अनसुने अनकहे और अनदेखे पहलुओं को उन्हीं की जुबानी, जानेंगे उनके संघर्ष और सफलता के किस्सों को, करेंगे उनसे कुछ खट्टी मीठी बातें, होगा सवालों का बौछार, चलेगा आरोप प्रत्यारोप का दौर। आमना सामना में सिर्फ राष्ट्रवाद न्यूज पर। ब्रह्मदेव राम पंडित भारतीय कुम्हार और शिल्पकार, जिन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने में उनकी विशेष योग्यता के लिए जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के नेवादा जिले में 2 मार्च 1949 में पिता राम पंडित के घर बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। ब्रह्मदेव के पिता एक कुम्हार थे, जिनसे ब्रह्मदेव जी ने मिट्टी से शिल्पादि बनाना सीखा। पिता से गुण प्राप्त करके उसका विस्तार करने के लिए स्कॉलरशिप हासिल करके वह कर्नाटक के खानपुर बेलगम में सेंट्रल विलेज पोइट्री इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद आज स्टूडियो से जुड़े, उसके बाद उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। वहाँ पर क्ले मॉडलिंग और मूर्ति कला की शिक्षा ग्रहण की। फिर एक और स्कॉलरशिप मिलने के बाद नई दिल्ली में लाल किला एकेडमी से जुड़े। पंडित जी ने अपने जीवन की शुरुआत मुंबई के सोफिया कॉलेज पॉलिटेक्निक में पढ़ा कर की और 2005 तक वहीं पर रहे। बहुत सारे स्कूलों में जाकर इन्होंने मूर्ति कला संबंधित शिक्षा भी दी। ब्रह्मदेव पंडित जी ने मीरा भाईंदर शहर के कला निवास में पंडित आर्ट सिरेमिक की शुरुआत की है, जहां पर लगभग 300 से भी ज़्यादा पॉटरी रोजाना बनाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2013 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, स्वागत है आपका आमना सामना में। आज हम एक और नए मेहमान के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ आपकी मुलाकात कराने वाले हैं और आमना सामना में हम अनकहे अनसुलझे और अनकट बातें उनके बारे में आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस व्यक्तित्व का नाम है पद्मश्री ब्रह्मदेव पंडित। बिहार के नवादा से 21 वर्ष का एक नवयुवक चलकर मुंबई आता है। मुंबई के मीरा भाईंदर में प्राचीन कला हिंदुस्तान की शिल्प कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, जिसे आज शायद हिंदुस्तान में उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा, लेकिन विदेशों में जिसकी बहुत बड़ी मांग है। और ऐसे कलाकार, शिल्प गुरु, शिल्प कलाकार पद्मश्री ब्रह्मदेव पंडित से हम दिल की बात करेंगे। तो स्वागत करता हूं मैं पंडित जी आपका हमारे राष्ट्रवाद न्यूज़ के आमना सामना में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप बड़े ही कम अवस्था में जी 21 वर्ष की आयु में आप बिहार के नवादा से चलकर मुंबई आए और मुंबई आकर हमारे देश की एक प्राचीन कला, शिल्प कला, जिसे सिरामिक कहे, मिट्टी की कला कहे, मिट्टी के बर्तनों को मिट्टी के अलग अलग आकार देने की ये जो प्राचीनतम कला है हमारे हिंदुस्तान की, जो कि आज देश में बहुत पीछे छूट चुकी है, लेकिन उस प्राचीन कला को आपने आत्मसात किया, तो क्या ऐसा कारण रहा, आपके दिल में ऐसी क्या बात थी जो आपने इसी कला को चुना, तो क्यों चुना? इसलिए चुना कि एक तो कुदरती नेचुरल जो है, हमारे दादा बाबा जी भी परंपरागत से काम करते हैं, हमारा ये पेशा है। कुम्हार बोलते हैं तो बिहार में पंडित बोलते हैं। अच्छा जी। तो उस समय हमारे दादाजी, जब मैं छोटे थे 10 साल के, तो अंग्रेज का शासन चलता था वहाँ का चढ़ी, तो उसमें घड़े के लिए, पानी के लिए घड़ा बनाते थे और चावल बनाने के लिए हंडिया बनाते थे, चोरी बनाते थे जी। हाँ, तो और वो कचहरी में उनको सप्लाई करते थे, देते थे, उसके बदले वो अनाज उस समय दिया करता था, पैसे नहीं देते थे। फिर हमारे पिताजी भी कुछ काम करते थे, कोले वगैरह बनाते थे, ऊपर जो बरसात के समय वो घर को होता है, तो वो फिर मैं साथ में मैं भी करता था। उस समय गिलास बनाता था, मलई का तेल है, दिया बनाने का ऐसे उत्सुक होता है। ऐसे करते करते हमें उसमें बहुत लगन बढ़ गया,
और फिर आप उसमें पूरी तरह हाँ तो ऐसे ही कुदरती बिहार बहुत बड़ी एक सूखा पड़ गया था अच्छा। और सन 1969 की बात है अच्छा। तो वहाँ एक सुखों द्वारा आश्रम है वहाँ जेपी जी ने जयप्रका नारायण जी ने एक योजना बनाई अकाल के टाइम में तो कुछ रोजगार देना चाहिए जी जी तो वो रोजगार के लिए उन्होंने ये नहर खुदवाने की योजना बनाई है तो ग्रामीण लोग को जब भूखमरी या कुछ तंग आ गए थे तो वहाँ को रोजगार मिला। अब उसी दरमियान हमारा एक आश्रम के जरिए ये पानी सिंचाई के लिए एक पंप के लिए योजना बनाई तो वो ट्रेनिंग कैंप प्रोडक्शन सेंटर था दोनों तो वहाँ मैंने 6 महीने का एक ट्रेनिंग लिया और लेते लेते उसी समय हमारे जयप्रका नारायण जी के साथ में भी कुछ एक बार वहाँ उनको कुछ रोग के लिए भैंसे वो आबादी जो टाँड रहते खेत उसकी आबादी के लिए भी उनका योजना था तो एक दिन ज़्यादा बड़ी नहीं वो जमाने में 5-6 आदमी कुछ रोग बैठे या मुझे भी पाइप बना रहा तो मुझे भी बुलाया गया तब उनसे कुछ पूछताछ भी किए तो वही समय ने ऐसा निर्णय लिया कि इनको भेजा जाए और ट्रेनिंग वो खानापुर बेलगांव में अच्छा हाँ तो लेटर भी आ गया उन्होंने फिर भेजा 1 साल के पूरा ट्रेनिंग किया कर्नाटक में और फिर अच्छा। जी तो आप मतलब बिहार से ट्रेनिंग लेने कर्नाटक गए जी कर्नाटक से ट्रेनिंग लेके फिर जी हाँ आना हुआ हाँ मुंबई कैसे हाँ तो वही आना हुआ हाँ तो मैं बहुत कर्मठ था काम करने में जी, जी तो वहाँ के तो आज अभी भी इस उम्र में भी है जी 72 वर्ष की आप आयु है लेकिन आप लगते नहीं है आप लगते हैं कि आज आप अभी भी जवान हैं काम के बारे में हूँ तो कैसे मुंबई आना हुआ हाँ तो वहाँ से मुझे एक दिन क्योंकि वो आश्रम ग्राम उद्योग CVPI खानापुर सेंट्रल विलेज पोट्री इंस्टीट्यूट है नाम जी। तो वो शाम के टाइम में वो प्रार्थना होते थे और खुद को मॉर्निंग में भी प्रेयर होता था तो एक दिन ऐसे सामने बोले प्रिंसिपल आए और मुझे बहुत जच रहा था उनको जो लगन था बोले खास करके कि एक ये एक काम एक हमारे विद्यार्थी लोग को ये यहाँ बुलावा आया है काम के लिए कलानगर बांद्रा जहाँ बाला साहब ठाकरे की वो कॉलोनी कलानगर जी हाँ तो वो खादी कमीशन के थ्रू वहीं से बुलाया गया और अजगांवकर साहब के पास मैंने 3 साल फिर काम किया तो वहाँ से ये कला प्राप्त हुआ ज़्यादा अब उनकी प्रेरणा बहुत मिला फिर मुंबई आकर हाँ मुंबई आकर फिर आपने इसकी और ज़्यादा ट्रेनिंग ली बहुत बहुत ली और ट्रेनिंग लेके जी जी आपने इसको अपने जीवन में ही उतारा जी सही सही कला के क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग कलाएं हैं जी लेकिन एक आजीविका चलाने के लिए जी जी आजीविका चलाने के लिए आज मॉडर्न आर्ट है जी या मॉडर्न कलाएं हैं या विदेशों की जो शिल्प कलाएं हैं जी आप उसको ना अपना की जी जो अपनी देसी अपने मिट्टी की हाँ अपने हिंदुस्तान की प्राचीन कला है वो शिल्प कला को अपनाए हाँ जी तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपका जो मकसद रहा कि वो हमारी जो हिंदुस्तान की कला है वो देश विदेशों तक फैले और देश विदेशों में इसका नाम हो जी 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 और हिंदुस्तान के भी जो हमारे प्राचीन कला को चाहने वाले लोग जानने वाले लोग हैं, सही प्यार करने वाले लोग हैं, उन तक भी घरों घरों तक आपने ये कला को पहुंचाने की कोशिश की है जी, 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 जी। और ये जो कला है हाँ, शिल्प कला हाँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि जो आप ये कला जिस कला में आपको पद्मश्री मिला हाँ, हाँ, वो शिल्प कला क्या हाँ, हाँ, तो बहुत हमारा भी लंबी सफर है जब भी मैं 21 साल से उम्र में मैं काम वहाँ शुरू किया कलानगर बांद्रा में जी जी और उनके साथ 3 साल तो एक प्रकार का गांव में जो माटी के बर्तन की बातें जो हमें अभी किए जी उसको अभी चीनी माटी में बदलाव आ जाता है इसका शुद्ध नाम ऐसे जनरल तौर से चीनी माटी बोलते हैं आम जनता ऐसा सेरामिक बात किया जाता है पॉटरी के है अच्छा। जो शिल्प है नाम है तो वहाँ खास करके बदलाव ये आया कि वो जमाने में आज के जो कला बहुत विकसित हो गया दुनिया में और वो उस समय नहीं था अच्छा। तो यहाँ बम्बई से शुरू हुआ तो एक बॉन्झाई पॉट और इक्के बाना फ्लावर अरेंजमेंट तो अजगांवकर साहब वह बनाते उनके नीचे नीचे उनके साथ में मैं भी बनाते थे हाँ तो ये अजगांवकर साहब कौन है ये जय जय
स्कूल के एक पेंटिंग और स्कल्पचर कलाकार थे। अच्छा, तीसरा अच्छा, नंबर में रहते हैं जहाँ अडारकर साहब, बेंद्रे साहब, हेबर रहते हैं ना, वही कलानगर हिंदू सम्राट बाबा जी जैसे वही कलानगर। हाँ, एक बार बहुत पुरानी बात है, मैं जब 24 साल का था तभी एक जन्मदिन में हमने बुलाए थे, मैं बैठ गया, उससे ज़्यादा आदमी नहीं, 31 आदमी थे। बहुत ही एक फैमिली जी माहौल में आप साहब उस समय। हाँ, तो आप बता रहे थे इस कला के बारे में। हाँ, शिल्प कला क्या है? हाँ, तो वहाँ से शुरू हुआ और फिर मैंने वहाँ से ज्वाइन किया सोफिया कॉलेज पॉलिटेक्निक। तो अब दोनों चलने लगा मेरा, एक काम एक जॉब भी मिल गया तो मुझे बहुत रुचि वहाँ हुआ और समाज भी मिल गया। तो वहाँ से ही मैंने सीखा ललित कला एकेडमी, फिर हैंडीक्राफ्ट से जुट गया। वो जैसे हम बोनझा पॉट गार्डन के पॉट कुछ बना रहे हैं फ्लावर पॉट, तो वो हैंडीक्राफ्ट ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट से है जो हस्तकला, उससे जुट गया। तो ये होते होते मेरे साथ साथ मुझे बहुत शौक था कला का सीखने का, तो जे स्कूल में भी मैं सीखा है, ललित कला एकेडमी में सुखा। तो ये बदलाव आ गए और ये बदलाव एक ही भाई एक पॉटर है, काफ़ी हमारे एक बहुत महान कलाकार है, वो बोलते पंडित जी ही एक कुम्हार है, लेकिन ये अभी आधुनिक कला में बदला है। वो अभी अभी मौका कोई हमको ही न मिला है, अब मैं ही बदला है। तो ये बहुत चीज है, सही बात भी है कि जो प्राचीनतम कला है और आधुनिक कला है, इन लोगों का संयोग होना आवश्यक है, वरना कहीं ना कहीं हमारी कला पीछे छूट जाती है अगर उसको आधुनिकता का साथ नहीं मिलता। हाँ, फिर पंडित जी आप मीरा भाईंदर आए, मीरा भाईंदर कैसे आए और ये जो कलाकार निवास है जहाँ पे मैं बैठकर आपकी इस कलाकार निवास सही आपसे साक्षात कर रहा हूँ, आपसे आमना सामना कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी फैक्ट्री, ये जो आपका प्रदर्शनी केंद्र है, ये सारी चीजें आपने कैसे इसका निर्माण किया? हाँ, तो अब धीरे धीरे मैं बहुत मेहनत और बहुत क्या एक तो बहुत मैं ईमानदार, ज़्यादा हमको पसंद है ब्रश करना है और मेहनत पर विश्वास करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाना ज़्यादा वो भी हमको पसंद है। अब मेहनत से जो आए प्राप्त किए भाई, तो अब धीरे धीरे कुछ हम अच्छी तरह सधा हुआ भट्टी बनाया हमारे पास, गैस की भट्टी है जी। तो उससे काफ़ी अच्छे वस्तु निकलता है और मुझे नामी जाने माने जो हिंदुस्तान में आर्ट गैलरी है तो हमको फिर इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि हमारे यहाँ आपके जो कलाकृति वो आप ये एग्जीबिशन लगाइए। तो मैं वस्तु को वहाँ लगाते हैं, जैसे ये बम्बे में है सिमरोहजा आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी, वहाँ भी एग्जीबिशन किया हूँ, और दिल्ली में इब्राहिम अलका जी की आर्ट गैलरी है, त्रिवेणी आर्ट हेरिटेज, उसमें भी एग्जीबिशन किया। तो बहुत चाहने लगे और ये अभी इसके जो पहले जो कुछ जैसे टेराकोटा की बात है, अब इसकी बदलाव कला में आ गए, जो पेंटिंग स्कल्पचर शिल्प कला है तो उस ढंग से होने लगे। तो एक एक आदमी आज के हमारा 30 साल के समय में 600 रुपये के बेचता था, आज तो कम से कम तो 6,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक के वस्तु हमारा बिक्री होता है एक गैलरी में, और लोग बहुत खुश करते हैं और एक पूजे के रूप में भी मानते हैं, बनते हैं, हमको भी मानते हैं, ऐसा है, इतना प्यार है जी कले में। 2013 में आपकी इस शिल्प कला के लिए आपको हिंदुस्तान का सबसे प्रमुख अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड जी जी। इसके पहले आपको महाराष्ट्र शासन का महाराष्ट्र उद्योग श्री मिला जी, महाराष्ट्र शिल्प कला अवार्ड मिला, शिल्प गुरु अवार्ड मिला जी जी, बिहार सरकार ने आपको अवार्ड किया जी, लेकिन ये जो 2013 में पद्मश्री अवार्ड आपको भारत सरकार ने दिया राष्ट्रपति महोदय के हाथों से, ये सही मायने में आपकी कला का एक बहुत बड़ा सम्मान था जी जी। तो कैसा आपको महसूस हुआ था उस वक्त जब आपको पद्मश्री का पुरस्कार माननीय भारत सरकार के राष्ट्रपति के शुभ हस्तों से मिला जी जी? ऐसे तो हमको कुछ नहीं मालूम रहा, मुझे काम सिर्फ समझ में आता है कि लगा हुआ है, लेकिन अब ये चीज़ को एक अजनबी आया कि जैसे मैं एक छोटा सा गांव में ये कूलर बना रहे थे चाय पीने वाला, लेकिन आज मैंने कोई अच्छे घर सजाने के लिए वस्तु स्टूडियो पोटे बना लेने लगा, तो मुझे यही बोलता था कि ये कला की बहुत कीमत है, उसके ऊपर ही सब हमें मिला है, ऐसे लगा महसूस। मतलब कला का कीमत जी है उसके हिसाब से आपको भारत रत्न मिला, भारत रत्न जब आपको मिला तो आपको कैसा फील हुआ, दिल में क्या महसूस हुआ, पहला क्या भावना आई? नहीं, और जिम्मेदारी आ जाता है,
बहुत महसूस होता है तो और मैं उसमें बहुत विनय और हो गया और आज भी वो विनय को बहुत सादगी रूप से मैं काम करते हैं। है। जी जी बहुत बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया कि जब आपको भारत रत्न मिला तो आपने जवाबदारी की भावना जागृत हुई, विनम्रता आपके अंदर आई और जवाबदारी बढ़ गई, ऐसा सोच के अब आप और भी काम कर रहे हैं। भारत रत्न मिलने के बाद आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिसे सुशासन बाबू के नाम से सब जानते हैं, अभी अभी वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने, तो सुशासन बाबू ने आपको बिहार बुलाया जी, सही है, जबकि आप बिहार के पुत्र हैं, बिहार आपकी जन्मभूमि है, लेकिन आपने महाराष्ट्र को अपनी कर्मभूमि चुना। महाराष्ट्र में आपको अनेक अवार्ड मिले, महाराष्ट्र में आपने फैक्ट्री की स्थापना की, अपने कला शिल्प की प्रदर्शनी और बहुत सारी चीजें की महाराष्ट्र। तो जब आपको पद्मश्री मिला तब आपको बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी ने बुलाया, तो बुलाया तो किस लिए बुलाया और फिर क्या आपने वहाँ पे प्रयोग किया शिल्प कला को लेकर? हाँ नहीं, अब तो सिर्फ एक लगाव कर रहे थे, कभी एग्जीबिशन तो बुलाया करते थे। अच्छा। और फिर बढ़ते बढ़ते एक बार हमारे और ये जो पद्मश्री मिलने के पहले मुख्यमंत्री बुलाते थे आपको? जी नहीं बुलाए थे, नहीं बुलाए थे, इसके बाद ही हुआ है। पद्मश्री मिलने के बाद बुलाते थे। एक बार बिहार फाउंडेशन के थ्रू बॉम्बे के जो सह्याद्री गेस्ट हाउस है, हाँ तो वही बिहार फाउंडेशन के थ्रू मुझे बुलाया गया और अब कुछ प्रोग्राम था तो प्रोग्राम में मैंने शामिल हुआ। तो वहाँ पर तो एक बहुत अच्छे हमने गांधी जी की भेंट किया, हाँ नीतीश कुमार जी को। अच्छा, अच्छा। मूर्ति और कुछ फ्लावर पार्ट, तो वहाँ वो बहुत खुश हो गए, कभी मुस्कुराते नहीं लेकिन खड़ा होकर उन्होंने फिर लिए एकदम लिए, हाँ। और बहुत और बाकी वहाँ के लोग और प्रतिनिधि थे, सब खुश थे। तो अब बिहार की सरकार आपके माध्यम से चाहती है कि बिहार और उत्तर भारत में भी जी नहीं, हाँ अब उसके बाद इतनी ज़्यादा ये हो गए, ये गांधी जी देखे, ये मैंने भेंट किए थे, ये सिरामिक है, ये नेचुरल है, बहुत सुंदर है, उनको भेंट किया, अभी कैबिन में रखे है, अब इसके नाम से हमारा नाम जान गए ब्रह्मदेव बाबू बोलते कभी जी। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि शिल्प कला को लेकर भारत सरकार या महाराष्ट्र की सरकार या बिहार की या अन्य राज्यों की सरकार जी, हाँ या हिंदुस्तान की हमारी भारत सरकार कितनी जागृत है, आपका अपना पर्सनल अनुभव? जी जी बहुत, यही बोलना चाहता हूँ, मैं वही बोलना चाहता था। एक्चुअल अभी हमारे ये जो सेरामिक की जो सब्जेक्ट है अब बहुत एडवांस भी हो गया है। तो ये जो ये गढ़ है, पहले तो दिल्ली में ललित कला एकेडमी के वहाँ एक स्टूडियो पॉटरी और एक कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ खोले हैं, आर्टिस्ट जाके काम कर सकते हैं, वो सुविधा है। भारत भवन में भी वो सुविधा है और यहाँ अहमदाबाद बड़ौदा में भी होते हैं, लेकिन हमारे बिहार में ऐसे में एक दो बार गया तो बहुत पिछड़ा हुआ महसूस हो रहा था कि वहाँ क्यों नहीं है। और एक पड़ा हुआ बहुत बड़ी जगह है, वहाँ उपेंद्र महारथी संस्था एक है, बिहार सरकार का है। अच्छा, सरकार की संस्था? हाँ सरकार का है। तो अब वहाँ उत्सुक हो गए, वहाँ के जो उनकी टीम सब है, नीतीश बाबू के चार पांच बहुत बढ़िया कलाकार हैं और अफसर भी हैं, तो उन्होंने अभी मैंने शुरू किया, भट्टी भी दिया है और वहाँ उनको करके दे। तो अब मैं चाहते हैं कि पूरी हिंदुस्तान से एक बहुत अच्छे से अच्छे एक संस्था को देकर और एक अच्छा काम हो, इंस्टीट्यूट बने। हाँ मैं अपनी कला पूरा वहाँ बुछावर पूरा कर रहा है, पूरा दे रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में कभी आपने बात की? कला विभाग के जो लोग हैं या यहाँ के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं उद्धव साहब ठाकरे जी हैं, कभी आपने इस कला के बारे में महाराष्ट्र में, जैसे आपने ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में इस कला को और प्रगतिशील कैसे बनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जा सके, इस कला के माध्यम से ज्यादा महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार कैसे? हाँ वो सही, इसके बारे में कभी आपकी बातचीत हुई? आपकी कोई योजना है? हाँ योजना है, मैंने ये यहाँ पर महाराष्ट्र के जो हस्तकला था पहले, आज के 15 साल पहले बहुत अच्छा चल रहा था, जी जी
सावंतवाड़ी के वो शिव राम राजा साहब भोसले थे उस समय, और वो तो हमने 12 साल का एक हस्तकला का स्कीम चलाया और यहाँ हम सिखा रहा था। भैंदर जब ये पंचायत के रूप में था, बहुत बड़ा नहीं था, तो वो भी विकास उस समय हुआ था। अब धीरे धीरे अब बड़ी संख्या में शहर बढ़ भी रहा है और यहाँ भी, तो अब वो कुछ कारण से बंद हो गया, तो अब फिर वह चालू नहीं हो रहा है। तो इससे उसमें विकास होने में वहाँ डिस्टर्ब मतलब कम हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। तो अब मैं चाहते कि कुछ कला प्रेमी है उसको फिर से वो योजना बनावे और एग्जीबिशन करे और फिर पहले जैसे ही महाराष्ट्र में वापस हस्तकला आ गया। मतलब आप चाहते हैं कि आप और महाराष्ट्र की सरकार और शिल्प कला से जुड़े हुए कुछ संस्थाएं वो सारे लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आकर शिल्प कला को जन जन तक पहुंचाने को और इसका उत्थान करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जी जी, ये बहुत सुंदर विचार है आपके पंडित जी। मैंने सुना है कि आपके इस कलाकार निवास में हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे जी के पोते जी और आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के सुपुत्र तेजस ठाकरे जी आए थे विशेष तौर से आपसे मिलने के लिए। आपको मातोश्री से फोन किया और फोन करके आए आपसे मुलाकात की। वो मुलाकात के पीछे क्या रहस्य था, किस लिए मुलाकात? हाँ, रहस्य तो वही है कि वो भी एक ऐसे कला प्रेमी हैं। अच्छा। हाँ, और कला और पूरे परिवार कला प्रेमी है, ऐसा नहीं कि तेजस्वी है, उद्धव ठाकरे जी है सभी। हाँ, दो चार फोटोग्राफर जी हाँ, तो उनको एक पेंटिंग कोई पॉट रहता है तो चाइनीज पॉट के वो उनको कोई प्रेरणा मिला और वो चाह रहे थे कि ऐसी पेंट की एक ऐसा प्रेरणा जब मिला तो मैं देखना चाहता हूँ, तो हमने उनको बना के दिया। अच्छा। जब भी एग्जीबिशन फोटोग्राफ का जहांगीर आर्ट में चल रहा था। अच्छा। तो फिर वहाँ उद्धव जी ठाकरे थे और उनके परिवार, तो वहाँ मैंने भेंट किया उनके साथ। अच्छा। अब तो और ज़्यादा गहरा प्रेम हो गया है, अभी भी हमारा लगाव हमेशा फोन भी आता है तो करते रहते हैं, अभी लगा तो, अभी तो अच्छा है। आपका जो गहरा प्रेम है, पारिवारिक संबंध है, आज उद्धव साहब ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, तो आप उनसे मिलकर मुलाकात करके ये शिल्प कला के लिए महाराष्ट्र में एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप खड़ा कर सकते हैं। जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये जो शिल्प कला कलाकार निवास में इस कला को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे, बढ़ा रहे प्रगति, इसमें आपकी जो पत्नी है और आपके जो बच्चे हैं, आपकी बहू है, यहाँ तक कि आपका जो नाती है, वो सारे लोग आपके साथ, मैंने कई बार जब यहाँ आया तो मैंने ये देखा कि सारे लोग वो कला में लगे हुए हैं। क्योंकि वो मैं कुम्हार परिवार से जन्म ले जाऊँ, अब मुझे पूरा वो जो परिवार नहीं भिड़ेंगे ये काम में, साथ नहीं मिलेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है चलाना। तो सब के बाद हमारा अभय भी है और अभय की माँ वो भी करती है, हमारा पोता अनंत है ये भी करता है, तो उससे क्या होता है, अब जागरूकता होता है और एक दूसरे को प्रेरणा मिलता है, साथ मिलता है और वो बल से बहुत आगे भी जा सकता है। तो मैं ये चाहते कि हमेशा मिल के काम करें। ये बहुत सुंदर, मतलब पूरा परिवार आपका जो है वो शिल्प कला के लिए समर्पित है, ऐसा परिवार बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत ही अभिनंदन करता हूँ आपका और आपके पूरे परिवार का पंडित जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब आपको पद्मश्री मिला, आप इतने सालों से लगातार ये शिल्प कला के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, अब इस कला के उत्थान के लिए जी, ये कला जन जन तक पहुंचे जी, इसके लिए आपकी अब भविष्य की और क्या योजना है जो आपने अपने दिल में सजो कर रखे हैं जी, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं शिल्प कला जी? जी जी, खास करके मैं तो एक बुक भी हमारे लाइफ में जीवन में है, एक प्रिंट हुआ है जी। तो ये इसके अंदर मैंने सब अपनी मिट्टी का जो फोटोग्राफ है ही है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मैसेज जी जी, हाँ जी, हाँ संदेश दिए हैं जी जी जी। जी, क्या पुस्तक के माध्यम से आप बताना? हाँ, मैं बताना चाहते हैं कि ये इसमें सब हमारा कलाकृति
दिया हुआ है जी। जो हमारा सब ये बड़े बड़े कलेक्टर के पास चला गया, मेरे पास है ही नहीं जी। दिल्ली है, बम्बई है, पूरा हिंदुस्तान में के बाहर गांव भी कोई कुछ ले गए हैं, वो कलेक्ट किए हैं, उनके पास है। तो मैं वो ये प्रेरणा के लिए ये भी दिए हैं, और ख़ास करके बताना चाहते हैं कि अब हमारे देश में कुम्हार के काम के नाम से नहीं जाने, ये कला के नाम से जाने। तो जी एक ही दिखाते हैं, आइए देखिए हमने इसमें पूरा माटी के जो बर्तन है उसमें कैसे कंपोजिशन कैसे बनते, वो भी जो स्कूल में भी जावे ये देखे थे। और कोई वो इंस्टीट्यूट में ये और सीखे और भठियाँ बनाए और वो विकास करे तो पूरे जन जन तक विकास होता है, हर एक पूरे देश में कि दुनिया में। तो मैंने सब इसमें दिया हुआ कंपोजिशन ये जी। बहुत बहुत सुंदर आपने ये कंपोजिशन बनाया है जी जी जी। और मैं आपका अब बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा पंडित जी, जी, जी कि आपने मेरे साथ हमारे राष्ट्रवाद न्यूज पर आमना सामना में ढेर सारी बातें शिल्प कला के बारे में, अपने जीवन कला के बारे में जी, जी, आपने कही, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे पद्मश्री ब्रह्मदेव पंडित जी, महाराष्ट्र के निवासी मीरा भाईंदर, जिनका कलाकार निवास। ये सभी के लिए गौरव की बात कि इस शहर के लोग गौरव महसूस करते हैं कि पद्मश्री उनके शहर में इकलौते ब्रह्मदेव पंडित जी हैं। आज हमने उनसे बात की, उनका आने वाले समय का ये सपना है कि ये शिल्प कला जन जन तक पहुँचे, म्यूजियम के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, पढ़ाई में ये शिल्प कला का सम्मिलित करके ये जन जन तक पहुंचाया जाए। इस संदेश के साथ आज ब्रह्मदेव पंडित का हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए व्यक्तित्व के साथ आमना सामना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।